हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आर्किटेक्ट इंजीनियर घर का नक्शा बनाने का कितना चार्ज करते हैं या फिर कितना पैसा लेते हैं। दोस्तों, घर बनाने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका प्लान बनाते हैं, उसकी डिज़ाइन करवाते हैं। तो ये सब चीज़ों में दोस्तों कितना खर्च आता है, आज की वीडियो में मैं आपको सारी की सारी डिटेल देने वाला हूँ, जिससे दोस्तों आप जज कर पाएंगे कि इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट को आपको कितना पैसा देना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं सीक्वेंस बता देता हूँ। अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहला काम जो करेंगे, आप घर का नक्शा बनाएंगे, ठीक है। घर का नक्शा मतलब घर का प्लानिंग कराएंगे, जो भी एरिया है उसके मुताबिक आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या करेंगे, घर का नक्शा बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, ठीक है। दोस्तों, ये 2D प्लान होता है। तो दोस्तों, ये 2D प्लान होता है, उसके बाद उसकी डिज़ाइन कराएंगे, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कराएंगे। उस स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का मतलब उसका फाउंडेशन कैसा होगा, कॉलम की साइज़ क्या होगी, बीम की साइज़ क्या होगी, कॉलम का लोकेशन क्या होगा, ये सारी डिटेल दोस्तों इसमें आएगी, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में आएगी। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के बिना दोस्तों आपका घर मतलब स्टार्ट ही नहीं हो सकता बनना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एलिवेशन, मतलब आपका घर दोस्तों सामने से कैसे देखेगा, इसकी भी डिज़ाइन करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप साधारण बनाओगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, अगर डिज़ाइन कराओगे तो ये बहुत अच्छा लुक आपके घर को आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों वही जो आपने प्लान बनाया है, वो आपने जो डिज़ाइन की है, उसका दोस्तों 3D मॉडल तैयार हो जाएगा, जिससे दोस्तों एक आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि दोस्तों कि आपका घर दोस्तों बनने के बाद कैसा दिखेगा, ठीक है। उसके अंदर अगर आपको कोई चेंजेस करने तो आप कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों आता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब दोस्तों कि ये जो आप घर बना रहे हैं इसके अंदर कितना खर्च आएगा, वो अगर आपको पता करना है तो एस्टिमेशन निकालना पड़ता है। एस्टिमेशन में दोस्तों सारी चीज़ें आ जाती है, मटेरियल, लेबर, कितना मटेरियल सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगी, कितना एग्रीगेट लगेगा, मतलब सारी डिटेल दोस्तों एस्टिमेशन में आ जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें घर बनाने से पहले आपको रेडी करनी होती है। अब इसका मैं चार्ज भी बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें बनाने में आपको कितना खर्च आ सकता है। अगर दोस्तों आप आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर के पास जाते हैं घर का नक्शा बनाने, तो वो कितना चार्ज करेगा। तो दोस्तों घर का नक्शा मतलब 2D ड्राइंग बनाने का, वो लेगा आपसे करीबन 3 से 6 रुपए पर स्क्वायर फीट, ठीक है। जितना आपका एरिया हो, अब 1000 स्क्वायर फीट है और 6 रुपए का रेट अगर है तो 6000 रुपए आपसे लेगा वो क्या बनाने का, घर का नक्शा बनाने का। 3 से 6 रुपए है, अलग अलग सिटी या एरिया के हिसाब से ये रेट बदलता रहता है, आर्किटेक्ट का एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बदलता रहता है। नया आर्किटेक्ट होगा तो आपसे कम चार्ज करेगा, पर एक्सपीरियंस और अच्छा आर्किटेक्ट होगा वो आपसे ज़्यादा चार्ज करेगा, बट उसकी क्वालिटी भी वैसी रहेगी डिज़ाइन की, ठीक है दोस्तों। तो पैसे जो रेट है उस पर मत जाइए, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, तभी दोस्तों आपका घर जो है अच्छा बन पाएगा। उसके बाद बात करेंगे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन मतलब उसमें क्या आ जाएगा, फाउंडेशन की डिज़ाइन आ जाएगी, आपका फाउंडेशन कैसा होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो वर्किंग ड्राइंग चाहिए होता है फाउंडेशन मार्किंग करने के लिए, वो सारे जो ड्राइंग है इसके अंदर आ जाएंगे, इसमें 6-7 ड्राइंग आएंगे, ठीक है। तो इसका जो रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोस्तों स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जरूर कराना, अगर आपका घर आपको लंबे समय तक चलाना है, ठीक है, उसको टिकाऊ बनाना है, तो आपको अपने घर की स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जरूर करानी चाहिए, ठीक है। लोकल कॉन्ट्रैक्टर से करोगे तो वो इतना ध्यान नहीं देगा, कॉलम की साइज़, बीम की साइज़ जो रेगुलर यूज़ करता है वही यूज़ करेगा, ठीक है। डिज़ाइन में क्या होता है, पूरी बिल्डिंग की डिज़ाइन होती है, ठीक है। तो इसका जो रेट है दोस्तों करीबन ये होता है 4 से लेके 8 रुपये पर स्क्वायर फीट, वैसे इंजीनियर और आर्किटेक्ट की एक्सपीरियंस और क्वालिटी बेस्ड वो आपको चार्ज करेगा। तो मतलब अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का अगर डिज़ाइन कराते हो तो 4 रुपये के हिसाब से 4000 रुपया आपका डिज़ाइन का हो जाएगा, फाउंडेशन डिज़ाइन का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों एलिवेशन, कि आपका जो घर है वो सामने से कैसा दिखेगा, ठीक है। कोई भी अंदर से दोस्तों आप कितना भी अच्छा घर बना ले, बट सामने से वो अच्छा नहीं होगा तो ये आपका घर दोस्तों इतना अच्छा नहीं दिख पाएगा, ठीक है। लोग बाहर से ज़्यादा देखेंगे, तो एलिवेशन का डिज़ाइन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एलिवेशन दोस्तों जनरली ये आपका होता है 4 रुपये से 5 रुपये पर स्क्वायर फीट, ठीक है। 4 से 5 रुपये पर स्क्वायर फीट दोस्तों एलिवेशन डिज़ाइन करने का इंजीनियर जो है, आर्किटेक्ट जो है आपके पास चार्ज करेंगे। उसके बाद आता है 3D मॉडल। 3D मॉडल में आपकी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपका घर बनने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपका घर बनकर कैसे दिखने वाला है, अंदर रूम कैसे होगा, फर्नीचर के साथ दोस्तों आपको ये मॉडल जो है दिखाई देगा, जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपको देखिए, वीडियो की लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। 3D मॉडल जो है दोस्तों उसका एक व्यू रेडी करने का, मतलब एक सामने से कैसा दिख रहा है, एक व्यू रेडी करने का करीबन 4000 से लेकर
4000 से लेकर 6000 रुपये तक का आपको चार्ज होगा, ठीक है। अगर एक व्यू रेडी करने का, अगर आप दो कराते हो तो ये पैसा डबल हो जाएगा, मतलब एक व्यू का ही दोस्तों यहाँ पर आपसे पैसा लिया जाएगा कि एक व्यू का आपसे 4 से 6 हज़ार रुपया लिया जाएगा 3D मॉडल के अंदर व्यू रेडी करने का, ठीक है। उसके बाद एस्टिमेशन जो आता है उसके आपको दोस्तों टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, कौन सा मटेरियल कितना लगेगा, लेबर चार्ज, सारी दोस्तों डिटेल आपको आ जाएगी एस्टिमेशन के अंदर। तो एस्टिमेशन का जो चार्जेस होते हैं दोस्तों वो करीबन होते हैं 4 से लेके 6 रुपये पर स्क्वायर फीट, ठीक है। 4 से लेके 6 रुपये पर स्क्वायर फीट का दोस्तों आपको पेमेंट करना पड़ेगा इसके अंदर। मतलब करीबन दोस्तों अगर आप देखें तो दोस्तों आप इसमें से कंपलसरी कौन सी चीज़ें हैं कि नक्शा और डिज़ाइन करना जरूरी है, एलिवेशन 3D मॉडल एस्टिमेशन ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें करोगे तो आपका आराम से 10 से 15 हज़ार में आपका जो है घर का नक्शा भी बन जाएगा, डिज़ाइन भी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका कम एरिया है तो कम में बन जाएगा, मतलब ये दो चीज़ें दोस्तों करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको भी अपना घर का नक्शा और डिज़ाइन बनानी है तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बना के दे सकता हूँ।